आप लोग रूपा वेलकम चैनल सो फिर से लेकर आ गई मैं मीशो हॉल रैंडम फाइंड से बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे प्रोडक्ट मैंने पिक किए हैं आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आने वाले हैं डेकोरेटिव आइटम्स भी हैं सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो इनको अनबॉक्स करते और देखते क्वालिटी कैसी आई है सो स्टार्टेड देख रहे हो आप सब किस तरीके से पार्सल को अनबॉक्सिंग कर रही हूँ मैं तो कैंची बगल में रखी हुई है बट फिर भी मुझे इसी तरीके से फाड़ना है पैकेट को तो कौन कौन इस तरीके से अनबॉक्सिंग करता है ज़रूर बताइएगा सो so, फ्रेंड्स ये रहा मेरा फर्स्ट पार्सल और ये इतना क्यूट है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ आई एम श्योर कि हर किसी के विस्लिस्ट में ये वाला जूट बैग स्टोरेज बास्केट जरूर होगा बहुत ही प्यारा सा है और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ना कि ये बहुत छोटा सा होगा बट नहीं ये छोटा सा बिल्कुल नहीं है ये काफ़ी बढ़िया साइज में है एकदम मीडियम साइज में है और काफी चीजें आप इसमें रख सकते हो मल्टीपर्पस यूज कर सकते हो मुझे तो ये काफी ज्यादा पसंद आया क्वालिटी ए वन है बहुत बढ़िया और इसकी प्राइस जो है वो थ्री फिफ्टी एट रुपीज़ मुझे पड़ी है और ये मल्टीपर्पज आप इसका यूज़ कर सकते हो स्टोरेज बास्केट के जैसे फ्रिज के ऊपर रख दो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगेगा क्योंकि फ्रिज के ऊपर काफ़ी सारे मिस्लिनियस चीज़ें हम रखते हैं तो आप इसमें रख के आप रख दो ना ऊपर लीड भी दी हुई है बहुत ही प्यारी लगेगी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगेगी सब्जियाँ रख सकते हो नहीं यार इतने क्यूट बास्केट में मैं तो सब्जियाँ नहीं रखूंगी तो मैं यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ कि कितने सारे छोटे छोटे टॉयज इसमें आ जाएंगे तो बेटू के कुछ टॉयज थे यहाँ पे तो मैंने उसको रखा है और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इसमें स्पेस है और भी बहुत सारे कलर ऑप्शन है इसमें रेड है येलो है और भी बहुत सारे हैं तो चेक जरूर कीजिएगा मस्ट है प्रोडक्ट है मुझे तो ये काफी ज्यादा पसंद आया आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्सल में तो ये मैंने एक फ्लावर वास मंगाया था जो कि मुझे बड़ा ही यूनिक लगा था देखने में और जैसे मैंने देखा था ना आई वाज लाइक कि यार मुझे ये चाहिए मेरा फेवरेट कलर में है ये और फेस बना हुआ है इस वास में तो मैंने इसको ऑर्डर किया था और ये कुछ इस तरीके का है बट मैंने छोटा एक्सपेक्ट किया था बट ये काफी ज़्यादा बड़ा लग रहा है देखने में लेकिन कलर तो भाई बहुत ज्यादा सुंदर है तो आप देख सकते हो सिरामिक लुक में है लेकिन ये प्लास्टिक का मटेरियल है बिल्कुल दिखने में लग रहा है कि सेरामिक ही है कोई देख के नहीं बोलेगा कि ये प्लास्टिक मटेरियल है काफ़ी बढ़िया है क्वालिटी भी और सबसे बेस्ट बात कि ये गिरेगा तो टूटेगा नहीं अनब्रेकेबल है तो अगर आप चाह रहे थे इस टाइप का कुछ बड़ा फ्लावर वास ढूंढ रहे थे तो आप ज़रूर इसको देख सकते हो चेक कर सकते हो और सारे ही प्रोडक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आप वहां से चेक कर सकते हो तो अब आ जाते हैं हमारे पार्सल नंबर थ्री में और ये मैंने आर्टिफिशियल फ़्लावर मंगाया है इसी फ्लावर वास के लिए तो ये है थ्री पीस का पिंक कलर का फ्लावर आर्टिफिशियल फ्लावर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा था देखने में तो चलो इसको निकाल करके देखते हैं कैसा लग रहा है तो दिखने में तो ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है क्वालिटी भी अच्छी खासी लग रही है थ्री के पीस में है और इसकी प्राइस मुझे पड़ी है टू सेवेंटी थ्री रुपीज़ तो चलो इसको वॉश में लगा कर के देखते हैं कि कैसा लग रहा है अब आते हैं हमारे पार्सल नंबर फोर में सो ये मैंने मंगाया था जूट बास्केट जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल और इस टाइप के जूट बास्केट घर में ना डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं आप पॉट बास्केट आप इसको बना लो आप कोई स्टोरेज बास्केट इसको बना लो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ये एक बड़ा एक छोटा का सेट में था बट ये दोनों इन्होंने सेम साइज़ का ही भेजा है और मैंने इसको एक्चुअली पॉट के लिए ही मंगाया है अपने आर्टिफिशियल प्लांट को रखने के लिए ही और ये काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में मुझे रिसीव हुई है और इसकी प्राइस मुझे पड़ी है टू नाइनटी सेवन रुपीज़ मतलब थ्री हंड्रेड ही बोल दो लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है दो जूट बैग आपको मिल गए इस तरीके का प्लांटर बास्केट आप बोल सकते हो ये मिल गए काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में है जूट कॉटन लिखा हुआ है तो अच्छी क्वालिटी है कहीं से भी कोई धागा निकला हुआ नहीं है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया अब आ गए हमारे पार्सल नंबर फाइव में तो ये भी एक जूट प्लेसमेंट मैंने मंगाया है राउंड शेप है बहुत ही ज़्यादा इस टाइप के आजकल जूट वाले चीज़ें ट्रेंड में आ रही है और बहुत ज़्यादा जुट जुट हो गया क्या लेकिन मुझे चाहिए था इस टाइप का जूट प्लेसमेंट और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया रहा था इसमें ना बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे बट मुझे थोड़ा सा मैचिंग मैचिंग करके मैंने मंगाया तो इसीलिए ये वाला कलर मंगाया और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है ओनली वन फिफ्टी वन रुपीज का पड़ा है मुझे दो प्लेसमेंट मिल गए काफी अफोर्डेबल पढ़ाना तो चलो इसको यहाँ पे लगा करके देख दे कि कैसा लुक आ रहा है इसका फाइनल लुक एक्चुअली मैंने इसी के लिए यहाँ यहाँ के लिए ही मैंने इसको ऑर्डर किया था तो ये मैंने डी आई वाई प्लांट स्टैंड बनाया था खुद से ही और उसके ऊपर मैंने इस तरीके से इस जूट राउंड वाले प्लेसमेंट को रखा है उसके ऊपर ये प्लांटर बास्केट को रखा है देन मेरा आर्टिफिशियल प्लांट उसमें डाल दिया है और आप बिलीव नहीं करोगे यहाँ का इसने पूरा का लुक ही चेंज कर दिया मतलब टोटल लुक चेंज हो गया था इस चीज से यहाँ का और काफी बढ़िया लग रहा है आप देख सकते हो तो गाइस मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया और यहाँ का लुक इसने बिल्कुल चेंज कर दिया है अब ओपन कर लेते हैं हमारा सिक्स पार्सल को तो मैंने ये मंगाया था वॉल माउंट फ्लोटिंग सेल्फ वॉल जो कि बाथरूम के लिए होता है और किचन में भी आप इसको यूज कर सकते हो तो चलो इसको ओपन करके देखते हैं कि कैसा आया है तो ये रहा हमारा पार्सल और इस टाइप के प्रोडक्ट आप लोगों ने देखा होगा अमेज़न में बहुत ज़्यादा दिखते हैं मीशो में भी काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं तो बाथरूम में ये अच्छे भी लगते हैं देख के लेकिन पता नहीं ये कैसे काम करेगी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल तो मुझे नहीं लग रहा है प्लास्टिक का मटेरियल है स्टिक करने के लिए दो चीज़ें दी हुई हैं और इस तरीके से इसको फिक्स करना था थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये लग नहीं रहा था मुझसे लेकिन फिर बाद में मैंने इसको लगाया लेकिन मुझे डाउट है कि मैं इसको रखूँगी या नहीं रखूँगी तो पता नहीं गाई Uh, मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा ये प्रोडक्ट तो शायद मैं इसको रिटर्न कर दूँ इसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा मेरे साथ सो so, इसकी प्राइस जो मैं uh, मुझे पड़ी है वो वन फिफ्टी सेवन रुपीज़ पड़ी है तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट में तो ये मैंने मंगाया था अपने डाइनिंग टेबल के लिए एक कवर जो कि प्लास्टिक का था बिल्कुल प्लेन मैंने मंगाया था कोई भी साइड में ये लेस जो रहती है ना वो नहीं था लेकिन इन्होंने लेस वाला भेजा है और आपको बताऊँ इन्होंने साइज़ भी छोटा भेजा है मतलब जो स्क्वायर शेप का जो टेबल होता है ना उस साइज़ का इन्होंने भेजा है तो रॉन्ग प्रोडक्ट इन्होंने भेजा तो इसको मैं तो सबसे पहले रिटर्न ही मारूंगी, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है अगर आप छोटे छो, टेबल के लिए ढूंढ रहे थे इस टाइप का कवर तो आप ले सकते हो इसकी प्राइस मुझे पड़ी है ओनली वन फोर्टी टू रुपीज़ तो आप चेक कर सकते हो आ, क्वालिटी अच्छी है सॉफ्ट प्लास्टिक है और अच्छी है क्वालिटी आप चेक कर सकते हो अब आ गए हम अपने लास्ट प्रोडक्ट में आज का तो ये मैंने एक सिंगल बेडशीट मंगाया है वाइट कलर में फ्लोरल प्रिंट था तो चलो इसको निकाल के देखते हैं क्वालिटी कैसी है और कैसा प्रिंट इसका लग रहा है तो एक पिलो कवर है और ये रहा बेडशीट तो दिखने में तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ऑफ वाइट है उसमें अच्छे फ़्लावर के प्रिंट बने हुए तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ तब आपको समझ में आएगा तो ये कुछ इस तरीके का प्रिंट है काफ़ी बढ़िया लग रहा है मैं इसको बेड के लिए नहीं मंगाया है मैंने मैंने इसको अपने डाइनिंग टेबल के लिए ही मंगाया है तो कैसे मैं इसको लगाऊंगी वो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा और देखने को मिलेगा बेडशीट तो प्योर कॉटन में मिली है मुझे और इसकी प्राइस पड़ी है ओनली टू हंड्रेड थर्टीन रुपीज़ तो मुझे अच्छी लगी कॉटन में है प्रिंट भी इसका काफ़ी अच्छा लगा सो आप ज़रूर चेक कर सकते हो अगर आपको सिंगल बेडशीट चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो फ्रेंड्स एट सॉल फॉर टुडे आई होप आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए थे मुझे पहली बार देख रहे थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले सो फ्रेंड्स एट सॉल फॉर टुडे मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड थैंक फॉर वॉचिंग